अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। उम्मीद है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फिर से अपने ऑनलाइन क्लासेस के सेशन पर आ चुके हैं, तो आज का हमारा पहला लेक्चर है उर्दू का, फर्स्ट वीक लेक्चर ऑफ उर्दू। दोहराई करेंगे सबसे पहले हम और बढ़ेंगे अपने अलिफ ता है दोहराई की जानिब। तो बच्चों, जैसे कि हम अलिफ ता है अपना निसाब पढ़ चुके हैं पहली सामाही का, तो अब हम यहाँ पे डॉट्स पे उनकी दोहराई करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे हरूफ तहजी का पहला हर अलिफ। तो अलिफ कैसे लिखेंगे? सीधी लाइन नुक्ते से नीचे की जानिब ऐसे लगा देंगे तो ये बन जाएगा अलिफ। अब अलिफ के बाद क्या आता है? अलिफ के बाद आता है अलिफ मद। अब अलिफ बनाया और उसके ऊपर मद को कैसे बनाया? एक टेढ़ी सी लाइन नीचे की जानिब लाई, उसको थोड़ा सा मोड़ के आगे से नीचे की जानिब, तो ये बन जाएगा अलिफ मद आ। अलिफ अलिफ मद आ। अब आता है इसके बाद बे। बे कैसे बनाएंगे? थोड़ी सी टेढ़ी सी लाइन यहाँ से नुक्ते से नीचे लाइन की जाने आगे और फिर ऊपर और एक नुक्ता नीचे की जाने, तो ये बन जाएगा बे। अलिफ अलिफ मद आ बे। बे के बाद आता है पे। पे कैसे आता है? नुक्ते से नीचे की जाने उसी तरह लाइन लगाई और बॉक्स बनाया और उसके नीचे तीन नुक्ते। पे के बाद आता है ते। ते बनाया और उसके ऊपर होते हैं दो नुक्ते। ते 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 के बाद आता है टे। इसी तरह एक बॉक्स बनाया और उसके ऊपर छोटी सी तोई बना दी, तो ये बन जाएगा टे। टे के बाद आता है से। से के कितने नुक्ते होते हैं? तीन। अलिफ अलिफ मद आ बे पे ते टे से। अब से के बाद शुरू होता है जीम। जीम हम थोड़ा सा लाइन के ऊपर और थोड़ा सा लाइन से नीचे और एक नुक्ता, ये बन जाता है जीम। जीम के बाद आता है चे। थोड़ा सा लाइन के ऊपर और थोड़ा सा लाइन से नीचे और इसके तीन डॉट्स। चे के बाद आता है हे। हे का कोई नुक्ता नहीं होता और ये हमने बनाया हे। हे के बाद आता है फे। फेक के ऊपर होता है एक नुक्ता इस तरह, ये बन जाएगा हे। अलिफ अलिफ मद आ बे पे ते टे से जीम चे हे हे। अब हम इन हरूफ को सुती आवाज के साथ दोहराएंगे। अलिफ की आवाज है आ। अलिफ मद आ की आवाज है आ। बे की आवाज है प। पे की आवाज है प। ते की आवाज है त। टे की आवाज है ट। से की आवाज है स। जी की आवाज च। चे की आवाज च। हे की आवाज अ और खे की आवाज ख। अब हम बढ़ेंगे अपने दूसरे सेगमेंट की जाने, जो है दुरुस्त जवाब के गेट दायरा लगाएं। जैसे कि सबसे पहले पिक्चर हमारे पास यहाँ पे क्या है? अनार। अनार को सुती आवाज के साथ पढ़ेंगे अ अनार। तो आप किसकी आवाज है? अलिफ मदा की नहीं है, अलिफ मदा की भी है लेकिन यहाँ पे अनार जो है वो अलिफ मदा से नहीं बनता, इसलिए हम अगले हर्फ की जाने पढ़ेंगे। ब नहीं, बेबा अनार नहीं बनता क्योंकि इसकी साउंड ब है। हमें अ अनार वाला हर्फ तलाश करना है। अलिफ अ, तो अलिफ की आवाज अनार की आवाज से मिलती है। अलिफ अ अनार, तो हमने यहाँ पे अलिफ के गेट दायरा लगा देना है ऐसे। नेक्स्ट पिक्चर है तितली। अब तितली को अगर इसकी सुधी आवाज के साथ पढ़ेंगे तो ये होगा त तितली। तो से स तितली नहीं है, टे त तितली नहीं है, ते त तितली है। तो हम दुरुस्त जवाब के गेट ऐसे दायरा लगा देंगे। अगली पिक्चर है हमारे पास आम की। आम को हम सुती आवाज के साथ पढ़ेंगे अ आम। अब यहाँ पे हम इसकी दुरुस्त इसके हरूफ को हर्फ को तलाश करते हैं। ब अ आम नहीं, ह अ आम नहीं, अ अ आम अलिफ मदा की आवाज से आ, तो आम बनता है अलिफ मदा से। हम इसके गेट दायरा लगा देंगे। उसके बाद है टमाटर। टमाटर को सुधी आवाज के साथ पढ़ेंगे टक टमाटर। अब हम ट आवाज वाला हर्फ तलाश करेंगे।
स टमाटर नहीं, त टमाटर नहीं, ट टमाटर। तो दृश्य वाक्य टे और हम इसके गेट ऐसे दायरा लगा देंगे। फिर अगली पिक्चर है हमारे पास बिल्ली, प बिल्ली नहीं, त बिल्ली नहीं, ब बिल्ली। ये दृश्य वाक्य और हम इसके गेट ऐसे दायरा लगा देंगे। अगली पिक्चर है हमारे पास जूता, च जूता नहीं, ज जूता, जीम इसकी दृश्य वाक्य है तो हम जीम के गेट दायरा लगा देंगे। आखिरी पिक्चर है हमारे पास चिड़िया, चिड़िया को सुधी आवाज के साथ पढ़ेंगे, चक चिड़िया। अब जब चिड़िया नहीं, चक चिड़िया, तो चक चे की साउंड है और जैसे चिड़िया बनता है तो हम इसके गेट दायरा लगा देंगे। अब लास्ट सेगमेंट है हमारे पास तस्वीर को दुरुस्त हर्फ से मिलाएं। यहाँ पे हमने तस्वीर को उसके दुरुस्त हर्फ से मिलाना है। तो पहली पिक्चर है हमारे पास हलवा, हा हलवा, हा साउंड ढूंढनी है, किसकी है, हा साउंड है हे की, तो हम हलवा को ऐसे मिला देंगे ऐसे। अगली पिक्चर है हमारे पास पत्ता, पत्ता को सुती आवाज के साथ पढ़ेंगे, पेपा पत्ता, तो हम इसको इसकी दुरुस्त हर्फ पे से मिला देंगे। अगली पिक्चर है हमारे पास समर, से सा समर, तो हम इसको इसके दुरुस्त तस्वीर के साथ ऐसे मिला देंगे। और आखिरी हर्फ है हमारे पास, आखिरी पिक्चर है खरगोश, हाँ खरगोश, हाँ है की साउंड, तो हम इसको इसकी दुरुस्त तस्वीर के साथ, दुरुस्त हर्फ के साथ इसको मिला देंगे। तो बच्चे ये था आज का हमारा उर्दू का रिवीजन लेक्चर, जिसमें हमने अपने उर्दू के पहले सामान्य के सारे निसाब को कवर किया। आपने इसकी प्रैक्टिस अपने मम्मा पापा की हेल्प से नोटबुक्स पे करनी है, और आपने जो उर्दू कायदे की पढ़ाई है वो उनको सुती आवाज के साथ, जो कि आपको इस लेक्चर में बताई गई है, उसके साथ आप उसकी दोहराई करेंगे। अल्लाह हाफिज, बीमान अल्लाह, स्टे होम स्टे सेफ।